कोरोना वायरस संक्रमण काल में बुलाया गया आगरा नगर निगम का विशेष सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सूर सदन में हो रहे विशेष सदन की शुरुआत में ही पार्षद ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। मेयर नवीन जैन और नगरायुक्त निखिल टीकाराम मंचासीन थे। पार्षद रवि माथुर ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तरीके से कार्य करने पर जोर दिया। इसके बाद चारबार के पार्षद शोभा राम राठौर ने निगम के सदन में महापौर नवीन जैन पर आरोप लगाया कि महापौर ने नगरायुक्त को दबाव में लेने के लिए सदन बुलाया है। इस पर महापौर ने शोभा राम राठौर को कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं हंगामे को देखते हुए निगम का टास्क फोर्स एवं पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। निगम के 100 वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था पटरी से उतर गई है। ना तो ठीक से झाड़ू लग रही है और ना ही कूड़े का उठान हो रहा है। निगम कार्यालय में हर दिन 100 से अधिक शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतों का निस्तारण भी ठीक से नहीं हो रहा है। एक मीटिंग यहाँ सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हुई है और उसमें शहर को और अधिक सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए सभी माननीय पार्षदों के विचार आए हैं। नगर निगम सदन ने निश्चय किया है कि आगामी जनवरी 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण जो होने वाला है उसमें पूरे शहरवासियों का सहयोग लेते हुए आम नागरिकों का सहयोग रहे इसके लिए जन जागरण का अभियान हम लोग शुरू करेंगे, जिससे पूरे शहर के एक एक नागरिक की इस स्वच्छता अभियान में सहभागिता हो और देश के अंदर टॉप 10 में हमारा आगरा शहर का स्थान स्वच्छता के प्रति रहे, इसका संकल्प आगरा नगर निगम सदन ने निर्णय लिया है और उसके अनुरूप सभी अधिकारी कर्मचारी हम लोग कार्य करेंगे, जिससे जो हमारा देश में 16वें स्थान 85 से घटकर 2019 में हमारा 85वां स्थान था और 85 से घटकर हमारा 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि 2 सप्ताह पहले पार्षद रवि माथुर सहित अन्य ने सफाई को लेकर विशेष सदन बुलाने की मांग की थी। इसका संज्ञान लेते हुए महापौर नवीन जैन ने विशेष सदन बुलाया था। आगरा के सूरसूदन में हुए सदन के दौरान बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। सैनिटाइजेशन के बाद ही पार्षदों अधिकारियों को सदन में प्रवेश मिला। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट।